हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंचाई करने वाले खेत सिंचाई करने में कौन सा मोटर लेना चाहिए, दो एचपी का मोटर कौन सा लेना चाहिए खेत का सिंचाई करने के लिए, लूबी मोटर लेना चाहिए कि किलोस्कर मोटर लेना चाहिए। ठीक है, इस दोनों में हमको लूबी मोटर और किलोस्कर मोटर में आपको अंतर बताते हैं। ठीक, क्या क्या अंतर होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लूबी मोटर क्या होता है, देखिए लूबी मोटर कम वोल्टेज में चलता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर से बहुत दूर तार बिछाकर दूरी तक ले जाना है, तो इसमें मोटर कम वोल्टेज पर अच्छी तरीका से चलता है। ठीक है, और किलोस्कर मोटर क्या होता है कि ज्यादा दूरी में ले जाने पर बंद चालू होता है, यानी कि कम वोल्टेज में उतना नहीं चलता है। तो ठीक है, और लूबी मोटर किलोस्कर मोटर से ज्यादा प्राइस में मिलता है, और लूबी मोटर किलोस्कर मोटर से पानी भी कम देंगे। ठीक है, मगर किलोस्कर मोटर ज्यादा पानी देंगे। ठीक है, तो ये सब अंतर होता है, और लूबी मोटर कम वोल्टेज में सिर्फ चलता है, और पानी इन लूबी मोटर पानी बहुत लूबी मोटर किलोस्कर के अपेक्षा लूबी मोटर पानी कम देता है। ठीक है, और लूबी मोटर से ज्यादा किलोस्कर के पानी देता है, तो दोनों केवल इतना ही अंतर होगा। तो किलोस्कर अगर भीड़ यानी ट्रांसफार्मर के आसपास यानी कि ज्यादा दूरी नहीं है आपको ट्यूबवेल या बोरिंग, तो वहां पे आप किलोस्कर के ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा दूरी में चलाना है तो लूबी के ले सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों लूबी और किलोस्कर में आपको अंतर बता दिए हैं। तो प्राइज में लूबी ज्यादा रहता है, ज्यादा दाम में लूबी मिलता है, और किलोस्कर कम दाम मिलता है, और लूबी और किलोस्कर दोनों मस्त होता है, मगर वोल्टेज ज्यादा लेता है, किलोस्कर मोटर वोल्टेज ज्यादा लेता है। ठीक है, तो दोनों मोटर ठीक है, तो आप दोनों में से कोई ले सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। केवल इस बात को ध्यान देना है कि आपको ज्यादा दूरी में चलाना होगा तो लूबी मोटर का लेना होगा, यानी कि ट्रांसफार्मर से एक किलो एक दूरी में ले जाना है तो लूबी मोटर के ले लीजिए। ठीक है, और कम दूरी में ले जाना है आधा किलोमीटर अगर दूरी पर नहीं चलाना है तो आप किलोस्कर मोटर ले लीजिए, किसी प्रकार को दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।